सो गाइज, अगर आप भी हैं Xiaomi, Redmi एंड Poco डिवाइस में से कोई भी डिवाइस के यूजर्स, जैसे कि यार Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro, Poco M2 एंड गाइज और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनमें Google Play सिस्टम अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो गया है। सो गाइज, ये अपडेट में आप लोग को क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला है इसके बारे में बात करेंगे, ये अपडेट का फाइल साइज कितना देखने के लिए मिला है इसके बारे में बात करेंगे, एंड गाइज ये अपडेट को आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हैं Xiaomi, Redmi एंड Poco डिवाइस के कोई भी डिवाइस के यूजर्स, तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। So guys, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार फाइनली Google Play सिस्टम अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। गाइस ये अपडेट का फाइल साइज ना आप लोगों को वही अंडर 60 MB का देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि यार फाइल साइज काफी छोटा देखने के लिए मिलता है, 60 MB काफी छोटा फाइल साइज होता है। लेकिन यार ये जो अपडेट में जो चेंजेस देखने के लिए मिला है वो गाइस आप लोगों को ना 1 नवंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। गाइस ये काफी अच्छी बात है, एंड गाइस आप लोगों को ना अपडेट करने के लिए आपको अपने डिवाइस के सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग को 3 नंबर पे दिखता होगा सिक्योरिटी स्टेटस, गाइज इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप लोग को आना है डायरेक्ट नीचे, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यार आपको यहाँ पे अपडेट का शो कर देगा नीचे, या फिर लिखेगा चेक फॉर अपडेट। अब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका अपडेट डाउनलोड होगा, उसके बाद आप लोग को होने के बाद रीस्टार्ट का ऑप्शन देगा, तो आप लोग को रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है तो स्टार्ट हो जाएगा फोन। उसके बाद जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो यार आपके डिवाइस का जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो 1 नवंबर 2022 में अपडेट हो जाएगा। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, यार अपने डिवाइस को अपडेट करके रख लेना, एंड गाइस ये अपडेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसी वजह से यार आप अपडेट करके रख लेना। वैसे यार अपडेट ये सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल गया है, क्योंकि मेरे पास जो है Redmi Note 9 का डिवाइस है, Redmi Note 9 डिवाइस में देखने के लिए मिल गया, एंड गाइस दोनों Redmi Note 9 का डिवाइस है, दोनों में देखने के लिए मिल गया। सो गाइस आप लोगों को भी अपडेट देखने के लिए मिल गया होगा, तो यार आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।